न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के सीएम के बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है झारखंड के सीएम को लेकर, जहां पर ईडी का शिकंजा है। बता दें आपको कि पूछताछ के लिए कल ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया था और अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम से होगी पूछताछ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईडी के रांची दफ्तर में हाजिर होने का समन भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को दिन के ही करीब 11:30 बजे रांची में मौजूद ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि ईडी ने समन भेजा है मुख्यमंत्री को। समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम से पूछताछ होने जा रही है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले बताए जा रहे हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ही फंसी IAS अधिकारी पूजा सिंगल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर में ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों का मिलना शामिल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम से पूछताछ होगी। ईडी के रांची दफ्तर में हाजिर होने का समन भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि कल 3 तारीख को हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। T20 वर्ल्ड कप में भारत की अग्नि परीक्षा है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में भारत की अग्नि परीक्षा होगी। आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज बांग्लादेश से ही टीम इंडिया भिड़ने जा रही है। आज दोपहर 1:30 बजे एडिलेड में होगा मुकाबला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बांग्लादेश और भारत मैच का जो साया है वो देखने को मिलेगा और एडिलेड में हल्की बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। मुकाबले पर पानी फिरने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल छाए हुए हैं। मैच रद्द हुआ तो बराबरी पर होंगी दोनों टीमें। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी और दोनों टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। ये मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। तो बता दें आपको कि सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने के लिहाज से ही ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे टीम इंडिया का पलड़ा इस मैच में साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने इस साल सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेले हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को T20 सीरीज में शिकस्त दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज दोपहर 1:30 बजे एडिलेड में मुकाबला होगा भारत बांग्लादेश मैच पर, बारिश का भी साया नजर आ रहा है। एडिलेड में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मुकाबले पर पानी फिरने के आसार भी हैं। बताया जा रहा है कि बादल छाए हुए हैं। मैच रद्द हुआ तो बराबरी का मैच रहेगा। बता दें आपको, T20 वर्ल्ड कप में भारत की अग्नि परीक्षा है। टीम इंडिया के खिलाड़ी जो है फिलहाल अच्छी लय में भी नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बांग्ला टीम ने इस पूरे साल में इक्का दुक्का T20 मुकाबलों में जीत जो है वो दर्ज की है। टीम की बल्लेबाजी जो है गेंदबाजी में पहले जैसी धार भी नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मुकाबले पर पानी फिरने के भी आसार जताए गए हैं।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में EWS फ्लैट लोगों को सौंपेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज दिल्ली में ही EWS फ्लैट लोगों को सौंपेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम आज दिल्ली के ही 3024 बता दें आपको कि EWS का उद्घाटन, आवासों का जो उद्घाटन है वो पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए ही नवनिर्मित है आवासी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इन सिटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए हैं और आवासों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सौंपेंगे चाबी पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली में, जहां पर झोपड़ी वासियों को अब फ्लैट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के ही कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए ही नवनिर्मित 3024 आर्थिक रूप से ही कमजोर वर्ग आवासों का उद्घाटन करेंगे। लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे। पीएमओ के मुताबिक यह आवास इन सिटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए हैं। आपको बता दें कि इन आवासों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने किया है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री भूमिहीन कैंप के वासियों को यहां मौजूद विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित घरों की चाबी सौंपेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज दिल्ली में ही फ्लैट लोगों को सौंपेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम आज दिल्ली के ही 3024 EWS फ्लैट लोगों को सौंपेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि यूपी में ही घुसखोरी के आरोपी DSP पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूपी में घुसखोरी के आरोपी DSP पर कार्रवाई होगी। और सीएम योगी ने सिपाही के पद पर डिमोट किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, DSP पद पर तैनात राम किशोर शर्मा पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सीएम योगी ने घुसखोरी के आरोपी DSP को डिमोट कर दिया है। सिपाही के पद पर तैनात होंगे DSP राम और किशोर शर्मा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रामपुर में DSP रहते हुए घुसखोरी का आरोप लगा था। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। सीएम योगी ने रिश्वत लेने वाले एक अफसर को हवलदार बनाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने रामपुर नगर के ही तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी DSP विद्या किशोर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। विद्या किशोर शर्मा को 2021 में ही रामपुर में पद स्थापित किया गया था, जहां उन्हें रिश्वत मामले में प्रासंगिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया था और मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में विद्या किशोर शर्मा को दोषी पाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए डिप्टी SP को सिपाही बनाने का निर्देश दिया है। ये जानकारी गृह विभाग की ओर से ट्वीट कर दी गई है। रामपुर सदर के ही तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी विद्या किशोर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में उनके मूल पद पर वापस कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में घुसखोरी के आरोपी DSP पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर DSP पद पर तैनात राम किशोर शर्मा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी ने घुसखोरी के आरोपी में ही DSP राम किशोर शर्मा को उनके पद से हटाकर उनके पहले वाले पद पर कर दिया है। बता दें आपको कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। सीएम योगी ने रिश्वत लेने वाले अफसर को ही हवलदार बनाने का निर्देश दे दिया है। बता दें आपको कि सीएम योगी ने रामपुर नगर के तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी DSP विद्या किशोर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।